अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, क्या हाल है मेरे बेटा? आप लोग सब खैरियत से होंगे। रिवीजन टेस्ट 1, रिवीजन टेस्ट 2 और अब हम रिवीजन टेस्ट 3 की तरफ आएंगे। उम्मीद है कि आप सबने रिवीजन टेस्ट 1, 2 कर लिया होगा और उसको अपनी पुलिस की शीट या कॉपी पे मेंशन कर लिया होगा। तो अब हम रिवीजन टेस्ट 3 की तरफ आते हैं। रिवीजन टेस्ट 3 में मुज़क्कर की मौनस लिखें। अब मुज़क्कर की मौनस सैयद, सैयद का क्या होता है आपको पता है, मौक़रफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है सैयद के लिए मौनस क्या होगी? सैयदा। इसी तरीके से मौलिम, उस्ताद को कहते हैं मौलिमा। साहिब, जनाब, साहिबा। आबिद, इबादत गुजार को कहते हैं, इसकी मौनस होगी आबिदा। फकीर, भीख मांगना, हाथ फैलाना, फकीर। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से मुंदरजा ज़ैल मुहावरात के मानी लिखे जुमलों में इस्तेमाल किए। ये तमाम मुहावरात मैं आपको कॉपी पे करवा चुकी हूँ, एज अ टेस्ट में आपको दोबारा करने के लिए दे रही हूँ ताकि आपकी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, इसमें है पहला लफ्ज़ जुमला है, उसका लफ्ज़ है जान में जान आना। ठीक है, दिल मुतमईन हो। सलवाते सुनाना, बुरा भला कहना, अशश करना, तारीफ करना, हाथ फैलाना यानी भीख मांगना या कोई कोई भी सेंस में इसको यूज कर लें, लेकिन हाथ फैलाने का मतलब किसी के आगे कुछ मांगना, आड़े आना, मुश्किल वक्त में काम आना। ये तमाम अल्फाज आपकी कॉपी में मौजूद हैं, इसको आपने मुहावरात में इस्तेमाल करना है। जैसे सपोज दैट जान में जान आना, इसका मतलब क्या होता है कि मुतमईन होना, अपना काम मुकम्मल देख कर मेरी जान में जान आ गई। ठीक है, सलवाते सुनाना, जब मैंने अपनी अम्मी का कोई काम नहीं किया तो उन्होंने मुझे बहुत सलवातें सुनाई। आशीष करना, अच्छे बच्चों की हर कोई काम पर आशीष करता है। हाथ फैलाना, हाथ फैलाना बुरी बात है। आड़े आना, किसी के मुश्किल वक्त में आड़े आना सवाब का काम। कुछ भी आप जुमला में इस्तेमाल कर सकते हैं मामला को। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का ये रिवीजन टेस्ट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। इसको उसी तरीके से जिस तरह आपने टेस्ट 1 किया, टेस्ट 2 किया, इसको उसी तरीके से पुलिस की शीट पे आपने या अपनी कॉपी के पीछे रिवीजन टेस्ट की हेडिंग डाल के रिवीजन टेस्ट 1, 2, 3 करके ये उतारना है और पहले याद करके फिर लिखना है। ठीक है, और फिर आगे हमसे स्कूल में कॉपी चेक करानी है। उम्मीद है आपको मेरी तमाम बातें समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।